गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी व्याकरण में मैं आपको पाठ 9 समास के अंतर्गत समास के भेदों के नाम और उनके बारे में बताऊंगी। समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और सबसे आखिरी है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार 6 समास हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और वो प्रधान होता है। अव्यय कहते हैं जो शब्द लिंग, वचन और कारक के कारण जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है उनको हम अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे अव्ययी भाव यानी कि इसमें पहला पद पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है यानी कि जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास में जो पहला पद होगा यानी कि जो पूर्व पद होगा या वो विशेषण होगा या उपमान होगा। पूर्व पद यानी कि पहला पद विशेषण या उपमान होगा और जो इसका दूसरा पद होगा यानी कि उत्तर पद वो या विशेष्य होगा या उपमेय होगा। द्विगु समास में कोई ना कोई संख्या लिखी हुई होगी। आप द्विगु समास को आसानी से पहचान सकते हैं, उसमें कोई भी संख्या लिखी होगी वो संख्यावाची विशेषण उसमें होगा। द्वंद्व समास में पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, यानी कि दोनों ही पदों की समान होते हैं दोनों पद और उनमें योजक चिन्ह लगा होता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं, समास बनाते हैं, तो उनमें योजक चिन्ह लगा होता है और जब हम समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह हट जाता है और उसके स्थान पर और लिख दिया जाता है। बहुव्रीहि समास में पहला पद भी प्रधान नहीं होगा, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होगा। इसमें इन दोनों पदों को मिलाकर जो तीसरा अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। फिर से देख लीजिए समास के भेद। 6 भेद हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इस वीडियो में आपने समास के नामों को जाना। अगली वीडियो में मैं आपको समास के जो भेद हैं उनको विस्तार से समझाऊंगी। थैंक यू।